न वेल इन दिस पीरियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट वन थ्री द फिजिकल क्वान्टिटी पी इज रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेबल्स इसमें चार ऑब्जर्वेबल हैं वो ए बी सी और डी हैं और जो दिया गया है पी इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें क्वान्टिटी दी गई है पी इज इक्वल टू दिस इज ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन अंडर उन् टू डी सो दिस इज गिवन क्वांटिटी ओके सो हमें कहा गया है कि जो आपको परसेंटेज एरर जो है ये जो इसमें ऑब्जर्वेबल ए बी सी डी हैं इनमें जो परसेंटेज एरर है वो ए uh, में ए में है वन परसेंट बी में थ्री परसेंट सी में फोर परसेंट और डी में जो है वो टू परसेंट है सो दिस एरर इन डी इज़ टू परसेंट सो व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी पी तो हमें ये निकालना है कि जो पी में कितनी एरर होगी तो परसेंटेज एरर में हम निकालेंगे डेल्टा पी अपॉन पी क्रॉस हंड्रेड परसेंट ये वाला पार्ट हमें निकालना है ओके सो so, यदि कहता है कि यदि आप पी को कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला से तो उसका आंसर आता है थ्री पॉइंट सेवन सिक्स थ्री आपको पूछा गया है कि आप इस सवाल को के फाइनल रिजल्ट को यदि राउंड ऑफ करेंगे तो एरर एनालिसिस के बेस के ऊपर आप इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे चलो हम सबसे पहले इसकी परसेंटेज एरर निकालते हैं तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले हम रिलेटिव एरर निकालते हैं तो रिलेटिव एरर होगी डेल्टा पी अपॉन पी वो तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी दिस इज प्लस माइनस थ्री टाइम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस टू टाइम डेल्टा वी अपॉन वी प्लस वन बाई टू टाइम डेल्टा सी अपॉन सी प्लस वन टाइम डेल्टा डी अपॉन डी तो ये तो हुई रिलेटिव एरर हमें यदि परसेंटेज एरर निकालनी है तो हम क्या करेंगे देखिए इसको हम करेंगे डेल्टा पी हम ऐसा करते हैं एक मैथमेटिकली इसको हंडर्ड से गुणा करते हैं और हंड्रेड से भाग कर देते हैं तो ये आ गया प्लस माइनस ये आ गया थ्री टाइम डेल्टा ए अपॉन ए इसको क्रॉस हंड्रेड से गुणा कर दिया हंड्रेड से भाग कर दिया इसको टू टाइम डेल्टा बी अपॉन बी हंड्रेड से गुणा कर दिया हंड्रेड से भाग कर दिया प्लस वन बाई टू डेल्टा सी अपॉन सी हंड्रेड से गुणा कर दिया हंड्रेड से भाग कर दिया प्लस डेल्टा डी अपॉन डी हंड्रेड से गुणा कर दिया हंड्रेड से भाग कर दिया अब क्या हुआ जो ये वाला आप एक डैश देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं पर और हंड्रेड को बोलते हैं सेंट राइट सो दिस इज पर सेंट में चेंज हो जाएगा हम ऐसा लिख देते हैं डेल्टा पी अपॉन पी क्रॉस नाउ हंड्रेड सेंट इज इक्वल टू ना दिस इज रिलेटिव परसेंटेज आर थ्री टाइम दिस इज डेल्टा ए अपॉन ए दिस पार्ट इज परसेंट ओके तो हम ऐसा लिख देंगे इसको so, हंड्रेड और परसेंट आगे आएगा टू इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू हंड्रेड परसेंट राइट प्लस वन बाई टू डेल्टा सी इंटू सी क्रॉस हंड्रेड परसेंट प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू हंड्रेड परसेंट ओके अब हमें दिया हुआ है कि जो ये परसेंटेज एरर इन ए है दिस पार्टीज 1% and this part is 3% now this part is 4% and this part is 2% so this is what you have to substitute over here uh, delta p upon p cross 100% this is a relative percentage error in P is equal to plus minus. Now this is three cross 1% plus 2 cross 3% plus 1 by 2 cross 4% plus 1 into 2 percent. So this is a relative percentage error in P. Okay, this is equal to plus minus. दिस इज़ थ्री सिक्स एंड टू नाइन टू अलेवन एंड थर्टीन सो दिस इज़ प्लस माइनस थर्टीन परसेंट तो ये आपको रिलेटिव परसेंटेज एरर ये बताती है कि जब आप पी को मेजर करेंगे आप पी को मेजर कर रहे हैं इसमें बताया गया आप इसको मैजर करें थ्री पॉइंट सेवन सिक्स थ्री तो ये हो जाएगी प्लस माइनस थर्टीन परसेंट आपको या तो इतने परसेंट ज़्यादा माप देंगे इसको या इतने परसेंट कम मापेंगे पर आप देखें कि जो थर्टीन परसेंट मीन्स थर्टीन बाई हंड्रेड सो टू डेसिमल पॉइंट तक आप एकट होंगे ओके सो आई मीन्स आई थिंक यू यू हैव टू राइट इट नाउ अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स राइट सो अप टू दैट यू आर करेक्ट सो हम ये कह देंगे कि यदि हमें इसको अब टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है तो आपको जो ये सेकेंड डेसीमल पॉइंट है इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा एंड एज इट इज ग्रेटर देन फाइव ये पाँच से बड़ा है इसलिए आपको सेवन में एक ऐड कर देना है प्लस वन कर देना है तो आपका जो पी का वैल्यू होगा दैट इज थ्री पॉइंट एट एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन ओके सो नाउ विल शिफ्ट आवर डिस्कशन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है टू पॉइंट वन फोर यहाँ भी सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है ये देखिए आपको कहा गया कि ये बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर्स एक बुक में बहुत ज़्यादा एरर्स हैं और इसमें चार डिफरेंट फार्मूलाज दिए हुए हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट बाय ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग द सर्टेन पेरियोडिक मोशन तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है ये देखिए एक इक्वेशन है ए पहले हम नोन चीजों को लिख लेते हैं दैट इज बाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ टू पाई टी अपॉन टी राइट एक इक्वेशन दी गई और जो दूसरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई उसमें कहा गया कि जो बाई है उसको आप लिखेंगे ए साइन वी टाइम टी और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें दिया गया बाई इज इक्वल टू ए अपॉन टी एंड साइन ऑफ टी अपॉन ए ऐसे कहा गया और जो डी क्वेश्चन है उसमें कहा गया बाई इज इक्वल टू दिस इज अंडर टू टाइम ए दिस इज साइन ऑफ टू पाई टी टी प्लस कॉस टू पाई टी टी राइट सो so, ए जो है वो इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन रूल आउट द रॉन्ग फार्मूला ऑन द डायमेंशनल ग्राउंड हमें डायमेंशनल का ग्राउंड बना के जो गलत फार्मूला है उसको हमने रूल आउट करना है तो सबसे पहले हम पहले देखते हैं जी कि यदि यहाँ डिस्प्लेसमेंट है हम शुरू करते हैं सल्यूशन यहाँ लिखते हैं हमें देखना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करेंगे देखिए ए जो पार्ट है उसमें हम क्या देखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ डिस्प्लेसमेंट है और ए जो है आप यहाँ देखें ए को कहा गया है ये भी डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल तो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है तो राइट हैंड साइड की इस पार्ट में डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये वाला जो पार्ट है वो डायमेंशन होना चाहिए तो आप देखें साइन में ये वाला पार्ट एंगल है एंगल के डायमेंशन नहीं होते राइट right? तो ये है टू पाई कोई डायमेंशन नहीं टाइम के साथ टाइम कैंसल हो जाएगा तो ये डायमेंशन लेस रह जाएगा इसका मतलब जो फर्स्ट जो इक्वेशन है ये एक्सेप्टेबल है दिस इज करेक्ट सो दिस इज ट्र्यू ये इक्वेशन जो है वो ट्रू इक्वेशन है राइट right? अब हम दूसरी इक्वेशन में चलते हैं दूसरी इक्वेशन में है लेफ्ट हैंड साइड में तो डिस्प्लेसमेंट है सही बात है तो राइट हैंड साइड में ये वाला पार्ट में डिस्प्लेसमेंट है ये भी सही बात है अब ये साइन का जो पार्ट ये वाला पार्ट एंगल होगा अब इसके डायमेंशन नहीं होने चाहिए हम पुट करते हैं बेलोस्टी के हुए एल टी माइनस वन और टाइम के हुए टी आप इसको सॉल्व करो एल टी माइनस वन प्लस वन तो ये वाला पार्ट हो गया जीरो एनी टर्म रेज टू पावर जीरो एल टी जीरो इट इज इक्वल टू वन तो ये आ जाएगा एल तो डायमेंशन लेस होना चाहिए था हालांकि जो एंगल के जो डायमेंशन है वो एल निकल रहे हैं इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो रोंग है सो दिस इक्वेशन इज रॉन्ग दिस इक्वेशन इज रोंग इक्वेशन ओके सो नाउ विल मूव फॉर द पार्ट सी जो सी पार्ट है उसमें आप देखें कि इसमें इस पार्ट में, इस में जो डायमेंशन है वो है डिस्प्लेसमेंट के इधर आप देखें ये फिर लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है बट इस पार्ट के जो डाइमेंशंस uh, हैं वो क्या हैं मीटर सेकेंड माइनस वन सो ये जो डाइमेंशंस हैं वो हैं एल टी माइनस वन और एक तो यहाँ गड़बड़ है दूसरा आप इस पार्ट में देखें ये एंगल वाला पार्ट है एंगल के डायमेंशन नहीं होते ऊपर टाइम है नीचे डिस्टेंस uh, है तो ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं बनेगी इसका मतलब क्या हुआ ये इक्वेशन भी एक रॉन्ग इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज ऑल्सो रॉन्ग इक्वेशन फोर्थ पार्ट में चलते हैं हम तो यहाँ रहा हमारा ये डिस्प्लेसमेंट और ये वाला पार्ट में अंडर रूट डायमेंशन जो है वो है और ए जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट अब आपने देखना है कि जो साइन का आर्गुमेंट वाला पार्ट है क्या ये डायमेंशन है कि नहीं तो टू पाई डायमेंशन ये टाइम के साथ टाइम कैंसिल हो जाएगा यह डायमेंशन लेस हुआ तो ये वाला पार्ट भी टू पाई डायमेंशन लेस और टाइम के साथ टाइम कैंसिल हो, mean? हो, so, okay? हो जाएगा Now, is ये भी डायमेंशन लेस वॉट दिस मीन दिस मीनस दिस इक्वेशन इज ट्रू इक्वेशन ये इक्वेशन भी ट्रू इक्वेशन होगी सो हेयर ए इज ट्रू ओके बी इज रॉन्ग सोल्यूशन ये हो जाएगा नाउ सी इज ऑल्सो रॉन्ग ये लिखने का तरीका गलत है और जो फोर्थ पार्ट है ये भी सही है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ओके दिस क्वेश्चन आर सो इन्फॉर्मेटिव है बहुत सुंदर सवाल डिज़ाइन किए गए हैं अब हम चलते हैं आगे टू पॉइंट वन फाइव अब हमारा सवाल है टू पॉइंट वन फाइव प्रॉब्लम इसमें कहा गया है कि एक फेमस रिलेशन जो है जिसको आप प्लस वन में आपने पढ़ना भी है और इसमें आपके पास एक रिलेशन दी गई है द फिजिक्स रिलेट द मूविंग मास इसमें एक मूविंग मास को रेस्ट मास के साथ जुड़ा हुआ है सो दिस इज मूविंग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द रेस्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट राइट सो एक लड़का है वो क्या करता है इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख देता है वो भूल जाता है कि यहाँ क्या होगा और कई बार आप भी भूलेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस सवाल को हल करने की टेक्निक से कि हम कैसे पता लगाएं कि हम सही लिख रहे हैं इक्वेशन के नहीं सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वो बच्चा भूल जाता है और वो ऐसे लिख देता है इसको एम इज इक्ल टू एम जीरो जैसे आप पढ़ रहे हैं वन एम इज इक्ल टू एम जीरो ओवर वन माइनस बी स्क्र का जो पावर वन बाई टू ऐसे लिख देता है अब आपने ये बताना है कि ये जो मिसिंग टर्म है जो मिसिंग पॉइंट है वो क्या होगा और कहाँ लिखा जाएगा तो बड़ी बड़े मजेदार चीज़ है ये सवाल हमारे पास जो रॉन्ग रिलेशन जो है ना उसको हम लिखते हैं सबसे पहले तो हमारे पास रिलेशन है एम इज इक्वल टू एम जीरो ओवर वन माइनस दिस इज वी स्क्वेयर का पावर वन बाई टू हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं ये देखिए यहाँ जो डायमेंशन हुए वो हुए एम एल ज़ीरो और टी ज़ीरो वन डायमेंशन इन मास जीरो डायमेंशन इन लेंथ एंड जीरो डायमेंशन इन टाइम अब यहाँ देखिए आप नमेरेटर वाले पार्ट में ही देखें यहाँ डायमेंशन सही हो गए वन डायमेंशन इन मास जीरो डायमेंशन इन लेंथ एंड जीरो डायमेंशन इन टाइम अब डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के तो पूरे हो गए इसका मतलब साफ हो गया कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए राइट right? अब दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जो एक जैसी क्वांटिटी है वो ऐड होती है कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होगा बलोस्टी में बलुस्टी ऐड होगी अब ये बलोस्टी कांस्टेंट में ऐड नहीं हो सकती स्क्वायर ऑफ द कैन नॉट बी एडेड इन इन द कांस्टेंट क्वांटिटी ठीक है आप u प्लस वी लिख सकते हैं बलोस्टी में बलुस्टी ऐड कर सकते हैं बट आप वन प्लस वी नहीं लिख सकते ओके सो बलुस्टी में कॉन्स्टेंट नहीं आप ऐड कर सकते सेम डायमेंशन होने चाहिए इसका मतलब हमें इस पार्ट को डायमेंशनलेस बनाना पड़ेगा ओके okay? इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं हम एक अनदर बेलुस्टी स्पीड ऑफ लाइट को इसमें ऐड करेंगे जो उन्होंने कहा है कि आप स्पीड ऑफ लाइट को कहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो अब हम ऐसा करते हैं ये रहा मास लेफ्ट हैंड साइड में और ये रहा मास राइट हैंड साइड में इसका मतलब जो डिवाइड होने वाली चीज़ है वो कांस्टेंट है यदि यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ कांस्टेंट कैसे बनेगा आप बेलुस्टी को बेलुस्टी से डिवाइड कर दीजिए तो ये बेलुस्टी के यूनिट क्या होंगे एल मीटर सेकेंड माइनस वन तो स्पीड ऑफ लाइट के यूनिट क्या होंगे मीटर सेकेंड माइनस वन तो दोनों के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास कॉन्स्टेंट ही बचेगा सो so, इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए सो so, फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एम इजिकल टू एम जीरो ओवर अंडर रूट वन माइनस बी स्केरपॉन सी स्क्वायर सो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ मास राइट सो इज इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन फॉर यू टू हैंडल अब एक सवाल और करते हैं जो आपको कुछ और सिखाएगा ये सिखाने के लिए सीखने सिखाने के लिए बहुत अच्छी किताब है दिस इज टू पॉइंट वन सिक्स अब सवाल हमारे पास है कि द यूनिट ऑफ लेंथ इज कन्वीनियंट ऑन ऑटोमिक स्केल तो लेंथ का जो यूनिट है वो ऑटोमिक स्केल में ऑंग स्ट्रॉम होगा राइट इज नोन एज ऑंग स्ट्रॉन्ग दिस इज दिस इज नोन एज ऑंगस्ट्रॉम एंड दिस इज डिनोटेड बाई एस लाइक दिस सिंबल सो वन ऑंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू यहां दिया गया आपको कि वन ऑंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू टेन टू इज पावर माइनस टेन मीटर ठीक है हमें पूछा गया कि साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो जीरो पॉइंट फाइव ऑन्ग स्ट्रॉम है हम यहाँ लिखते हैं साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव ऑन्ग है फिर पूछा कि वट इज दटोमिक वॉल्यूम एटम का जो वॉल्यूम होगा इन मीटर क्यूब आपको निकालना है तो आपको एक साइड पता चल गई आप तो इसका अटोमिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम वट इज द टोटल अटोमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बन मोल ऑफ हाइड्रोजन के एक मोल का अपने वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम आ, हाइड्रोजन के एक एटम का वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा दिस इज फोर बाय थ्री एंड पाई आर क्यूब सो हियर आर इज जीरो पॉइंट फाइव क्रॉस टेन पावर माइनस टेन मीटर ओके आर इज जीरो पॉइंट फाइव क्रॉस 10 ऑफ माइनस टेन मीट हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं ये हमारे पास आ जाएगा फोर बाई थ्री क्रॉस थ्री पॉइंट वन फोर क्रॉस आर क्यूब या आएगा जीरो पॉइंट फाइव क्रॉस 10 ऑफ माइनस टेन और इस पार्ट का क्यूब आ जाएगा इसको हम इक्वेशन नंबर वन मार कर लेते हैं ओके अब हम ये देखते हैं कि यदि हमारे पास एक एटम का एक एटम का वॉल्यूम इतना है ठीक है तो हमारे पास देखेंगे कि एबोगेड्रो नंबर क्या होता है वन मोल इज इक्वल टू वन एब्रो नंबर एबोगेड्रो नंबर उसमें क्या होगा आ, दिस इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो तो टू थ्री क्रॉस टेंट पावर ट्वेंटी थ्री एटम होंगे ठीक है एक मोल में कितने होंगे इतने एटम होंगे हमने निकालना है ऑटोमिक वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आप सिंपली गुणा कर दो ऑटोमिक वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम अब आपको समझना है देखो इसको हम कैसे लिखेंगे इतने मीटर क्यूब है ये ओके पर एटम इसका मतलब ये है ये एक एटम का है अब देखना है ऑटो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम दिस मच मीटर क्यूब पर हाइड्रोजन एटम अब आपके पास क्या है इसमें इतने आटम हैं अब जरा ध्यान से देखना आपने हम इस वैल्यू को लिखते हैं ये यूनिट से हम किस तरीके से कर देते हैं दिस इज फोर बाई थ्री क्रॉस थ्री पॉइंट वन फोर क्रॉस जीरो पॉइंट फाइव क्रॉस टेन टू पावर माइनस टेन क्यूब कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे इतने मीटर क्यूब कितना है ये एक एटम का है पर एटम अब आपके पास एक मोल में कितने एटम है दिस इज सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री क्रॉस टेंड पावर ट्वेंटी थ्री एटम ओके okay? अब एटम से एटम कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर जो है वो मीटर क्यूब में आ जाएगा सो नाउ रेस्ट पार्ट यू हैव टू सॉल्व दिस इज नाउ फोर पॉइंट थ्री क्रॉस थ्री पॉइंट वन फोर क्रॉस इसको तीन बार मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ज़ीरो पॉइंट फाइव क्रॉस जीरो पॉइंट फाइव क्रॉस ज़ीरो पॉइंट फाइव क्रॉस यहाँ ये ब्रैकेट के बाहर गुणा हो जाएगा माइनस टेन इंटू थ्री माइनस थर्टी क्रॉस सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री क्रॉस टेंट पावर ट्वेंटी थ्री अब क्या बचा यहाँ से देखिए मीटर क्यू बचा है ओके अब हम इसको यदि सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्व कैसे करना है ये थोड़ा सा में हम यहाँ लिख देते हैं आप फोर बाई थ्री को सॉल्व कर लीजिए और फोर बाई थ्री को आ जाएगा आपके पास वन इंटू थ्री इंटू थ्री क्रॉस थ्री पॉइंट वन फोर क्रॉस जीरो पॉइंट फाइव क्रॉस जीरो पॉइंट फाइव क्रॉस जीरो पॉइंट फाइव क्रॉस सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इसको आपने गुणा करना है और इस पार्ट में आगे आ जाएगा माइनस थर्टी और प्लस ट्वेंटी थ्री माइनस सेवन meter cube right so at the end using the concept of significant figures as well you will find this answer is equal to 3.154 uh, cross 10 to the power minus 7 meter cube so this is beautiful question you can enjoy such questions how to do these questions so easily thank you very much